हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई एस सी बॉडी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास एक प्रेस्टीज PIC 3.0 V2 का इंडक्शन है। इसको मैं पहले भी रिपेयर किया था। इसका प्रॉब्लम जो था, पहले पहले वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, उसको मैं पहले अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले क्या हुआ था, पहले फ्यूज़ के जगह एक मोटा वायर से ये सोल्डर फ्यूज़ के जगह मोटा वायर से सोल्डर किया हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारा कंपोनेंट इसमें खराब हो गया था। फ्यूज़ नहीं कटा, फ्यूज़ तो नहीं है, उसके जगह पे एक मोटा वायर है, तो मोटा वायर तो नहीं कटा, तो इसके लिए IGBT, ब्रिज रेक्टिफायर, SMPS का जो IC है, सारा चीज़ खराब हो गया। उसके बाद कैपेसिटर, मोटा मोटा जो 5 माइक्रोफैट का कैपेसिटर, उसके बाद 0.33 माइक्रोफैट का कैपेसिटर, सारा चीज़ खराब हो गया। तो IGBT को जैसा रिप्लेस करना था, मोटा कैपेसिटर सब जो है 5 माइक्रोफैट, 0.33 माइक्रोफैट, उसके बाद वाइपर 12A IC, सारा चीज़ को हमने रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद भी ये फिर से रिपीट प्रॉब्लम आया कि उसके जगह में एक, जब हमने रिपेयर किए थे तब उस फ्यूज़ हम डाले थे, लेकिन ये फिर से रिपीट प्रॉब्लम आ गया। कि जिनका ये है, उन्होंने बोला कि इसका जो अंदर से बहुत ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होके फिर ये और डेड कंडीशन में चला गया। इससे पहले भी सेम कंडीशन था, उसको मैंने रिपेयर किया था, रिपेयर करके भेजे थे, जस्ट एक दो दिन में ये प्रॉब्लम तो फिर से आ गया, फिर से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हो गया। तो आशा करते हैं फ्यूज़ जेहूतु था, इसलिए ज़्यादा कंपोनेंट खराब नहीं होगा, तो पर भी एक बार इसको खोल के देख लेते हैं, ठीक है। इसको ये फुली डेड है, मैं इसको अगर सीरीज बल्ब पे जलाता हूँ तो इंडक्शन पूरा डेड। तो आइए इसको पहले खोल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो होल है, यहाँ ऐसे रबर रहता है, वो रबर को निकाल के फिर इसके अंदर स्क्रू मिलेगा आपको, ठीक है। वो स्क्रू को खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने 4 ये स्क्रू निकाल लिए हैं। इसके बाद इसको साइड में रखते हैं। अब इंडक्शन को सीधा करते हैं। ये देखिए, प्रेस्टीज पिक 3.0 V2। इसको, इससे पहले ये कोना पे, ये देखिए लाल रंग का स्ट्रिप है, इसको खोल लेते हैं पहले। देखिए खुल गया। ये साइड में भी है, इसको भी खोल लेना पड़ेगा। खोलिए, इसके बाद इसको धीरे से उठाइए ऊपर की तरफ, देखिए। फिर इसके अंदर देखिए, ये तार जो है, रिबन केबल, ये एक लॉक पे लगा हुआ है, वहाँ से निकाल लिए। उसके बाद जो मेन बोर्ड है, वहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ खींच के केबल तो खोल लिए। अभी ये कंट्रोल पैनल एंड डिस्प्ले पैनल अलग हो गया। इसे यहाँ से देखिए, ये चीज़ तो निकला, फ्यूज़ का एक एंड निकला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूज तो ऐसे कट गया है, इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट इसको खोल लेते हैं। इसको भी खोल लिया। इसके बाद इसको हल्का हाथ से ऊपर की तरफ उठाइए कॉइल को। कॉइल के नीचे देखिए, 2 कनेक्टर लगा है, जो कि सेंसर का कनेक्ट है, टॉप सेंसर का। अब इसको साइड पे रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अच्छे तरह से देखिएगा तो ये चीज़ तो नज़र में आएगा। यहाँ पे देखिए, फ्यूज़ तो फिर से जल गया, ठीक है। जो मैं फ्यूज़ रिप्लेस किया था, वो फ्यूज़ फिर से जल गया, ये वाला। यहाँ पे देखिए, ये वाला फ्यूज़ फिर से जल गया, देखिए टूट गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूज़ जला, जल सकता है, कोई कंपोनेंट अंदर से शॉर्ट किया होगा। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लेते हैं, एक बार यहाँ पे जो रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं। ये रजिस्टर सही है, अगर ये रजिस्टर सही है, ये 10 ओम 2 वाट का रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर 10 ओम 2 वाट का है, तो इसको ये सही है, 10 ओम ही दिखा रहा है।
ये सही है, मतलब मेरा जो यहाँ पे वाइपर 12 AIC है ये बच गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये खराब नहीं है। वाइपर 12 IC अगर जलता तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टर को जला देता, तो वाइपर 12 IC तो खराब नहीं है, ये रेजिस्टेंस को चेक करने से ही पता चल गया। हो सकता है हम लोग का जो ब्रिज रेक्टिफायर है या तो जो IGBT है वो खराब हो गया है, उसके लिए हमको मेन बोर्ड को खोलना होगा। मेन बोर्ड का सारा स्क्रू खोल लेते हैं। मेन बोर्ड का यहाँ पे देखिएगा, ये जो हीट सिंक है यहाँ पे और एक स्क्रू होगा, उसको भी खोल लीजिए। इसको भी खोल लिए। फैन का कनेक्टर को खोल लेते हैं, फैन भी डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब इसको उल्टा के देखते हैं कि अंदर में क्या खराबी है। ये जो 3 टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल IGBT का, और ये जो 4 टर्मिनल है ये मेरा जो ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल है उसका, एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे है, ठीक है। अभी एक बार IGBT को चेक करते हैं। देखिए IGBT शॉर्ट है, IGBT शॉर्ट है। ये यहाँ पे हमको ब्रिज रेक्टिफायर भी शॉर्ट दिख रहा है। ठीक, ऐसे चेक नहीं होगा, IGBT को खोल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग IGBT ब्रिज रेक्टिफायर को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। हीट सिंक जो स्क्रू से लगा था उसको खोल लिए, अब IGBT को खोलते हैं। IGBT का स्क्रू निकाल दिए, अब जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका भी स्क्रू निकाल लेते हैं। ये स्क्रू थोड़ा टाइट रहता है, थोड़ा सा जोर लगाइएगा खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हीट सिंक अलग हो गया। ठीक, अब IGBT को खोल लेना पड़ेगा, उसके बाद ब्रिज एक्टिवेटर को चेक करेंगे। सारा जो IGBT के टर्मिनल है उसको मैं डीसोल्डर कर रहा हूँ। देखिए IGBT निकल गया है, ठीक है, ये IGBT निकल गया है। अब इस IGBT को एक बार चेक कर लेते हैं खोल के। ये टर्मिनल, गेट टर्मिनल भी शॉर्ट है, सोर्स टर्मिनल भी शॉर्ट है। हाँ, गेट, कलेक्टर, कलेक्टर तो पीछे वाला है, ये एमीटर। IGBT का 3 टर्मिनल होता है, गेट, कलेक्टर, एमीटर। तो ऐसा 1 नंबर पिन गेट, गेट शॉर्ट है, 2 नंबर पिन कलेक्टर हीट सिंक से मैं कनेक्ट किया हूँ तो कलेक्टर हीट सिंक के साथ रहता है शॉर्ट, ये कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो एमीटर है, ये एमीटर भी देखिए 0-0 शॉर्ट हो रहा है, मतलब ये ऐसी, ये जो IGBT है ये एकदम खराब है। नेक्स्ट हम लोग को ब्रिज रेक्टिफायर चेक करना होगा। देखिए AC टर्मिनल के बीच कोई शॉर्टिंग नहीं, पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब देख लेना पड़ेगा AC। ये जो कटा हुआ टर्मिनल, जो कटा हुआ है ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर में कटा हुआ है, काट किया हुआ है, ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। तो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। उल्टा करते हैं, समथिंग वैल्यू दिखेगा। एक बार AC पे लगा के सब टर्मिनल पे चेक कीजिए, इस पे नहीं मिला, इस पे मिलेगा समथिंग वैल्यू, ठीक। फिर प्रोब चेंज करके AC पे, पहले क्या किया, पहले ब्लैक प्रोब AC एक टर्मिनल पे रखे, प्लस पे चेक किए, प्लस पे कुछ नहीं मिला, माइनस पे चेक किए, माइनस में एक डायोड रेंज का रीडिंग मिला। नेक्स्ट प्रोब को चेंज करके रेड प्रोब AC टर्मिनल में रख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब माइनस पे कुछ नहीं मिलेगा, और प्लस पे यहाँ पे एक डायोड रेंज का वैल्यू मिलेगा। देखिए डायोड रेंज का वैल्यू मिला, मतलब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल है ये एकदम सही है।
एकदम सही है। ये जो 18 वोल्ट का डायोड है इसको चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग शॉर्ट तो नहीं है ना? 18 वोल्ट का डायोड भी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे जो आईजीबीटी का टेम्परेचर सेंसर है उसको चेक कर लेते हैं, आईजीबीटी का टेम्परेचर सेंसर भी शॉर्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे खाली आईजीबीटी उड़ गया है। उसके बाद जो आईजीबीटी का गेट ड्राइव सर्किट है, जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन का, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन का, ये जो 3 ट्रांजिस्टर है, कहीं कहीं पे 4 ट्रांजिस्टर भी आपको मिल सकता है, ठीक है, 3 ट्रांजिस्टर, ये सारा कैपेसिटर सब चेक कर लीजिए, ठीक है। ये जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन में जो सब कंपोनेंट लगा है सबको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या क्या IC लगा है, 8050 एंड 8550, ठीक है, सारा का सेक्स पर शॉर्टिंग टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सारा ट्रांजिस्टर चेक कर लिए। नेक्स्ट ये वाला कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सारा जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू ठीक ठाक बता रहा है। एक मिनट, यहाँ पे जो बजर था वो बजर खराब हो गया है, ठीक है, ये देखिए बजर तो खराब हो गया है। कोशिश करते हैं इसको, अगर बजता है तो ठीक है, नहीं तो रिप्लेस कर देंगे बजर को। चलिए ये बजर लग गया है, एक बार इसका साउंड टेस्ट कर लेंगे, अगर बजता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट काम एक करते हैं, यहाँ पे जितना भी ट्रांजिस्टर है सारा ट्रांजिस्टर को चेंज कर देते हैं, उतना सोचना ही नहीं है कि ये सही हो सकता है खराब हो सकता है। एक बार जो IGBT खराब होने पे ना गेट पे एकदम 300 वोल्ट चला जाता है, ठीक है, उसके चलते ये सब चीज़ खराब हो जाता है। अगर नहीं भी खराब हुआ तो पार्शियली कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, एकदम सेफ में रहेंगे। ये सारा जो 3 ट्रांजिस्टर है, ये 3 ट्रांजिस्टर को हम लोग रिप्लेस ही कर देते हैं। यहाँ पे कुछ 8050 8550 ट्रांजिस्टर है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना है इसका वैल्यू है। D8050 इसका भी वैल्यू है, DS8550, ठीक है, S8550 इसका भी, S8050 मतलब 2 8050 1 8550, सारा को रिप्लेस कर देते हैं। एक दो तीन, तीन ट्रांजिस्टर निकाल लिए यहां से। बेस को क्लीन कर लेते हैं। देखिए सारा जो सोल्डर था उसको हम क्लीन कर लिए। ये क्या था, डिसोल्डर वायर, ठीक, ये जो है डिसोल्डर वायर, डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लिए। अब यहाँ पे नया, ये देखिए एकदम नया पीस है, इसको हम लोग लगाएंगे।
दो 80 50 एक 85 50। इसको थोड़ा सा लगाते हैं तो यहाँ से ये दोनों 80 50 और एक 85 50, तीन ट्रांजिस्टर निकाल लिया। तो इसको थोड़ा सा देख के लगेगा जहाँ से जो निकाले थे। तो यहाँ से ये चीज़ निकाले थे, इसको प्लेस कर देते हैं। ये लग गया। नेक्स्ट ये तीन जो टर्मिनल है तीनों को अच्छी तरह से सोल्डर कर देते हैं। देखो ज़्यादा सोल्डर गिर गया, थोड़ा सा उठा लेते हैं। ये आईसी टू ये ट्रांजिस्टर लग गया। नेक्स्ट और दो 80 50 80 50 डी। चलिए नेक्स्ट, ये एक लगा। नेक्स्ट चलिए ये लग गया। ये तीन लग गया। सारा जो एक्स्ट्रा धुआं निकला हुआ है सारा को काट देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा के अच्छी तरह से सोल्डर कर लेते हैं।
सारा चीज़ अच्छे तरह से सोल्डर हो चुका है। आईजीबीटी टर्मिनल को अच्छे तरह से क्लीन कर लेते हैं। ये काम हम लोग का इस साइड में ख़त्म है। नेक्स्ट आईजीबीटी लगाना, जो कि थोड़ा सा महंगा आता है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी लगाने के टाइम पे, लगाने से पहले इसका वोल्टेज चेक कर लीजिए कि गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज आएगा तो लगाने के साथ साथ फिर से जल जाएगा आईजीबीटी। ठीक, तो पहले हम लोग इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसको एक बार सीरीज लाइन पे हम लोग ऑन करेंगे। मेरे पास सीरीज लैंप में कनेक्शन दिया हुआ है। एक बार सीरीज लैंप को ऑन करते हैं। सीरीज लाइन में दे दिए। अभी थोड़ा सा वोल्टेज दिखाते हैं आपको। ठीक, ये देखिए मीटर, देखिए माइनस प्रोब माइनस के साथ लगाए, माइनस कहीं भी डाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस टर्मिनल है, ये कलेक्टर है। देखिए कलेक्टर पे अभी भी वोल्टेज नहीं है एंड गेट पे अभी भी वोल्टेज नहीं है। क्यों बोलिए तो, क्योंकि हम लोग फ्यूज़ ही नहीं लगाए। तो पहले फ्यूज़ को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस जगह पे हम लोग एक पतला वायर से जोड़ लिए हैं फ्यूज़ टर्मिनल को। तो फ्यूज़ अभी नहीं लगाए, जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। तो अभी फ्यूज़ नहीं लगाए हैं, एक पतला वायर से जोड़ लिए हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। अभी हम लोग वोल्टेज टेस्ट करेंगे। सीरीज लाइन पे इंडक्शन को ऑन करते हैं। देखिए बजर का आवाज़ बजा, इंडक्शन चालू हो गया। अभी वोल्टेज टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अभी डीसी 600 पे रखे हैं। ये आपका ग्राउंड, ग्राउंड पे जीरो ही, ग्राउंड के साथ ग्राउंड माप रहा है जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 324.25, ठीक है 325 वोल्ट डीसी। ये देखिए गेट टर्मिनल परफेक्ट 0 वोल्ट। और घटाते हैं इसको, मल्टीमीटर को 20 पे रखे हैं, जस्ट गेट टर्मिनल चेक करेंगे। देखिए गेट टर्मिनल एकदम जीरो है, ठीक है परफेक्ट जीरो है। अभी यहाँ पे कैपेसिटर था 18 वोल्ट का कैपेसिटर, उस पर चेक करते हैं। ये 18 वोल्ट का कैपेसिटर को चेक करो, देखिए 19 वोल्ट आया, क्योंकि अभी कोई लोड नहीं है जिसके कारण 19 वोल्ट कैपेसिटर में प्रेजेंट है। कैपेसिटर में प्रेजेंट है 19 वोल्ट। गेट टर्मिनल को देखिए, गेट टर्मिनल एकदम परफेक्ट जीरो है, ठीक है। तो अगर आईजीबीटी लगाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। हाँ, तो ये सब चीज़ आईजीबीटी लगाने से पहले ध्यान देना चाहिए। अब आईजीबीटी को देख लेते हैं क्या था। 25N120 कॉमन आईसी है, कॉमन आईजीबीटी है। तो ये थोड़ा महंगा आता है, सस्ता भी आता है, लेकिन थोड़ा महंगा यूज़ कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, ये वाला थोड़ा महंगा आता है। तो ये चीज़ लगाने से पहले बार बार उस जगह को इंश्योर हो लीजिए कि गेट पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। आईजीबीटी का गेट टर्मिनल जो है वहाँ पे कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, तब एकदम आग बंद करके आईजीबीटी लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं पहले सीरीज को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारा आईजीबीटी है, उससे पहले भी अच्छा ही क्वालिटी लगाए थे, लेकिन पता नहीं किस कारण ये फिर से खराब होगा। देखिए मैं केजीटी कंपनी का लगा रहा हूँ। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो आपका हीट सिंक है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लगाने से पहले इसको इंसुलेटर से सारा टर्मिनल इंसुलेटेड कर लीजिए। तो मैं आपको इंसुलेटेड करके उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये चीज़ देखिए, ये आईजीबीटी है जो मैं अभी दिखा रहा था नया। इसका जो टर्मिनल है, सारा टर्मिनल को हमने इंसुलेटेड कर दिया है। इंसुलेटेड करने के बाद ये जैसा है वैसा मोड़ दीजिए। ठीक है, ये पुराना वाला है। और ये थोड़ा सा दूर में जाके, अब इसको एक बार ये जो बोर्ड है इस बोर्ड में प्लेस करके देख लीजिए, ये सही बैठ रहा है क्या। अभी सोल्डरिंग करने का जरूरत नहीं है।
अच्छी तरह से बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, देख लिए कि अच्छी तरह से बैठ रहा है। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। निकाल के हम लोग का जो हीट सिंक है वहाँ पे डाल देंगे, तो ये चीज़ तो ऐसा बैठेगा। उससे पहले इसको थोड़ा सा हीट सिंक लगा दीजिए पीछे। ठीक, ये मेरे पास हीट सिंक है, हीटिंग कंपाउंड इसका नाम है। ठीक, ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट दीजिएगा, अच्छा काम होगा। हीटिंग दे दिए, हीटिंग कंपाउंड जो था उसको लगा दिए। अब यहाँ पे लगा देते हैं। पहले हल्का हाथ से इसको लगा दीजिए, उसके बाद बोर्ड पे लगाने के बाद उसके बाद सही तरह से कर दीजिएगा। देखिए ये चीज़ तो लग गया है। IGBT का स्क्रू लगा दिया है, अब ब्रिज का स्क्रू लगा देते हैं। अब जो ये सब ब्रिज लगा है इसको थोड़ा टाइट करके लगा दीजिए। IGBT भी टाइट लगाना पड़ेगा। ठीक, टाइट लगा दिए हैं। अब IGBT का सारा टर्मिनल को अच्छे तरह से सोल्डर कर देंगे। उसके लिए थोड़ा सा पेस्ट लगाना होगा यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा पेस्ट लगा ले रहे हैं। थोड़ा सा पेस्ट डाले, उसके बाद धीरे धीरे अच्छी तरह से सोल्डर कर लेते हैं। गेट टर्मिनल ये 3 पिन को अच्छी तरह से सोल्डर कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं, फिर सोल्डर कर लेते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं कटर से। अभी सारा टर्मिनल अच्छी तरह से सोल्ड हो चुका है। ठीक, अभी इसको पावर देते हैं। ठीक, पावर दिए, इंडक्शन ऑन हुआ। इसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए डीसी 20 पे है, तो 600 पे रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव टर्मिनल ये गेट टर्मिनल, देखिए 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है गेट पे, 0 वोल्ट है। उसके बाद से टेम्परेचर सेंसर पे 5 वोल्ट होगा,
यहाँ देखिए 4.5 वोल्ट है, गेट पे एकदम जीरो, परफेक्ट 0 वोल्ट है। फिर 18 वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये देखिए 18.9 मतलब 19 वोल्ट हुआ बिना लोड का। तो एक बार कलेक्टर वोल्टेज चेक कर लेते हैं, देखिए 322, ठीक 322 23, मतलब मेरा जो इंडक्शन है अभी एकदम परफेक्ट सही हो गया। अब इसको पैक करने के बाद, अब इसको पैक कर देते हैं। और एक तो चीज़ लगाना भूल गए थे, नया फ्यूज़, फ्यूज़ लगाते हैं। ये देखिए एक नया फ्यूज़ है, ठीक है, इसको प्लेस करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए एक नया फ्यूज़ लगा दिया हूँ, पीछे जो एक वायर का फ्यूज़ बना थे उसको काट देते हैं। इसको काट दिया तभी ये इंडक्शन तो बन गया। इसको अभी पैक करने के लिए फैन का कनेक्टर लगा देते हैं, फैन का कनेक्टर लगा दिए। नेक्स्ट इसको बैठाते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे, सारा स्क्रू लगा देते हैं। पीसीबी बोर्ड को लगा रहे हो, सारा स्क्रू लगा दे रहे हैं। ये हीट सिंक को लगा देते हैं बॉडी के साथ। हीट सिंक भी लग गया। नेक्स्ट ये जो दो टेम्परेचर सेंसर का वायर है इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए ये एक दूसरे के जगह नहीं लगेगा, ठीक है, एक थ्री ठीक, ये दोनों लग गया है, देखिए दोनों लगा दिया हूँ। अब इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, अभी कॉइल को लगा देते हैं इस जगह पे होगा एसी कॉर्ड। नेक्स्ट ये वाला स्क्रू, थोड़ा सा हीट सिंक इसके ऊपर दे देते हैं। सिंग दे दिए इसके ऊपर भी, तो ये पार्ट मेरा कंप्लीट। अभी इसका ऊपर वाला टॉप वाला लगाना पड़ेगा, ये टॉप को मैं लगा दे रहा हूँ। जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसको लगा दिया, उसके बाद जो लॉक से निकाले थे उस लॉक के अंदर वायर को डाल दिए, ठीक। ये डिस्प्ले कनेक्टर इस साइड में लग गया और ये लॉक में ये तार तो फंसा दिया। नेक्स्ट तो यहाँ पे लगा दिए, अभी एक बार सीरीज लाइन पे ऑन करते हैं। देखिए लाइन आ गया, बाजार का साउंड भी हुआ।
देखिए ऑन, फैन का आवाज भी हो रहा है। अभी इसके ऊपर जब भी बर्तन रखेंगे तभी सेंस करेगा। देखिए 2000 वाट मिनिमम कर रहा हूँ, हो रहा है डाउन, हो रहा है अप, हो रहा है ठीक। अभी क्या हो रहा है, जेहेतु इसके ऊपर बर्तन नहीं था इसके लिए इंडिकेटर इंडिकेशन दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। तो वो जो बजट था वो साउंड हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है उसमें, तो कोई इशू नहीं है, गर्म होने से मतलब है। अभी मेरे पास बजट तो नहीं है, नहीं तो मैं रिप्लेस कर दूँगा। ओके, इसको बाद फाइनल आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। जितना भी स्क्रू लगाए थे सारा चीज़ साट लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं होगा। ये जो स्ट्रिप निकाले थे रेड स्ट्रिप, इसको भी इसके अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद जो सब स्क्रू खोले थे उसको लगा दे रहे हैं। इसका जो रबर था मतलब एंटी स्लिप कैप लगा दिए, स्क्रू को फिर से यहाँ पे तीसरा स्क्रू, ये वाला लास्ट स्क्रू लगा दे रहे हैं। तो सारा स्क्रू हम लोग का लग गया है ठीक है। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि गर्म करके कोई भी चीज़, ये देखिए मैं इंडक्शन को ये टेस्टिंग बोर्ड पे लगा दिया हूँ। पहले सीरीज पे ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया। अब इंडक्शन को एक बार, ये पानी थोड़ा रखा हुआ है इसको ऊपर चलाते हैं। अब इंडक्शन को ऑन करते हैं, आप लोग थोड़ा सीरीज बल्ब पे देखिएगा। इंडक्शन को ऑन किया, मेनू देखिए सीरीज बल्ब ग्लो हो गया, इंडक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो गया, मतलब प्रेस सही है। अभी इसको डायरेक्ट ऑन करते हैं ठीक। अभी ये जो ऑन स्विच है दबाते हैं, मेनू थोड़ा सा पहले कम टेम्परेचर पे कीजिए, खाली बर्तन है तो अभी देखिए जो पानी से हल्का हल्का धुआं आना स्टार्ट हो गया और नीचे बबल्स भी बना हुआ है ठीक। देखिए मेरा इंडक्शन अभी गर्म कर रहा है, वही प्रेस्टीज PIC 3.0% ठीक। देखिए हल्का हल्का वेपर बना रहा है अंदर में, देखिए धीरे धीरे पानी में उबाल आ रहा है ठीक। तो ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पानी में उबाल आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।